गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर 8th लेसन. ओके, द लेसन हैज़ बीन रिटन बाय जैन गुडिसो. ओके, अबाउट द लेसन, अबाउट द स्टोरी. द ऑथर गोज टू अ न्यू स्कूल आफ्टर लीविंग जूनियर हाई स्कूल. ही डज नॉट लाइक दिस न्यू स्कूल ऑफ हिज. He misses not only his previous school but also his teachers and friends. Okay, one day his house caught fire and was almost completely burned down. He was feeling isolated in the school and he was missing his cat. But then his classmates come to him and helped him with stationery, clothes, etc. A woman got his cat and returned it to him. The author was greatly thankful to the woman. Okay. Before you read, the story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? यानी इस कहानी में बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारे जीवन में आते हैं. एक टीनेजर है, टीनेजर यानी 13 से लेकर 19 तक बीच में उसकी एज है. ओके, और वो जो है उसके जो जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं. अब इस कहानी में बताया है कि हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम. ठीक है, वो जो है अपनी प्रॉब्लम से किस तरह से जीत पाता है, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से निकलता है और किस तरह से उन प्रॉब्लम पर जीत पाता है. ठीक है, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल लेफ्ट अवेकवर्ड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द seniority. The upper grade level cloud afforded me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. Okay, यानी high school का मेरा पहला वर्ष बड़ा अटपटा लगा था. मुझे बहुत अटपटा लगा था कि जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद जहाँ मैं कक्षा का प्रमुख था. ओके, और बड़ी कक्षा में होने के कारण जितनी भी श्रेष्ठता मुझे मिलती थी उसके साथ ही एक नए विद्यार्थी के रूप में शुरुआत करने का विचित्र लगा मुझे. वह स्कूल पुराने स्कूल से दोगुना बड़ा था. और भी ख़राब बात यह थी कि मेरे निकट के मित्रों को अलग हाई स्कूल में भेजा गया और मुझे बहुत अकेला महसूस होने लगा. ओके, आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स. वो कहने लगा, आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मस्ट दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened I would still come by the and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it. Nonetheless, ओके, मुझे अपने पुराने अध्यापक इतने याद आते थे कि मैं वापस जाकर उनसे मिला करता था. वे स्कूल के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए मेरा उत्साह बढ़ाते थे ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं. उन्होंने मुझे बताया कि समय के साथ तुम घुल मिल जाओगे. ठीक है, शायद अंत में तुम अपने नए स्कूल को ज़्यादा प्यार करने लगो जितना कि तुम पुराने को करते हो. उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब ऐसा हो जाए तो तुम भी आ जाओगे हमसे
समय समय पर मिलोगे। वेद जो कुछ कह रहे थे इसमें छिपे मनोविज्ञान को मैं समझ गया, लेकिन तो भी तुझे इसमें कुछ सांत्वना मिली? ओके, वन डे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल्ट एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, प्योरिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट्स सेक। ओके, यानी एक रविवार को तीसरे पहर हाई स्कूल शुरू करने के कुछ ही समय बाद मैं घर पर खाने की मेज़ पर बैठकर अपना गृहकार कर रहा था कि दिन ठंडा और तेज़ हवा वाला था और हम अंगीठी में आग जलाए हुए थे हाथ सेक रहे थे। हमेशा की तरह मेरी लाल गहरी भूरी धारियों वाली बिल्ली जोर जोर से गुड़गुड़ाते हुए तथा बीच बीच में मनोरंजन के वास्ते मेरे पेन पर झपट्टा मारती हुई मेरे सारे कागज़ों पर लेटी हुई थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। ओके, यानी शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। आई हैड रेस्क्यूटेड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द ओन वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। यानी वह कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी, मैंने उसे बचाया था जब वह छोटी बच्ची थी और किसी तरह वह जानती थी कि मुझे अच्छा जीवन देने के लिए यही उत्तरदायी है। ओके, यानी माई मदर केप्ट स्ट्रोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बार्ले सी। ग्रोपिंग, प्लीज टर्न ओवर अवर वे टू द फ्रंट डोर। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। बाई द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज इंगुलिफिट। ओके, एंगुफ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। आई रेन टू द नेबर्स टू इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। ओके, यानी क्या हुआ, मेरी माताजी घर को अच्छा व गर्म बनाए रखने के लिए ईंधन डाल आग को जलाए रखती थी। अचानक मुझे कुछ विचित्र सी गंध आई। ओके, तब मैंने इस पर ध्यान दिया। धुआं छत की छिड़ियों के बीच से आता हुआ दिखा। धुएं ने घर को इतनी तेज़ी से भरना शुरू कर दिया, हम मुश्किल से देख पा रहे थे मुख्य द्वार की ओर अपना रास्ता टटोले हुए हम सब बाहर जा सामने के अहाते में भागे। जब तक हम रास्ता खोजते हुए बाहर निकले तब तक सारी छत लपटों से घिर गई थी, यह तेज़ी से फैल गई थी। मैं पड़ोसियों के पास अग्निशमन विभाग को बुलवाने के लिए दौड़ा, जबकि मैंने अपनी माँ को वापस घर में दौड़ते हुए देखा। ओके, मेरी माँ घर में दौड़कर जा रही थी। माई मदर देन रेन आउट द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। शी ड्रॉप द केस ऑफ द लोन एंड द इंक्रेज्ड स्टेल रेन बैक इन टू द हाउस। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर माई फादर हैड डाइड वैन आई वॉज यंग एंड आई वॉज शी वॉज आफ्टर माई फादर हैड डाइड वैन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम वाई। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। ओके, यानी क्या होता है, मेरी माँ तब महत्वपूर्ण प्रलेखों दस्तावेजों से भरा हुआ छोटा धातु का बक्सा लेने के लिए घर में दौड़ी आई। उन्होंने बक्से को लॉन में गिरा दिया और पागलपन की हालत में घर में पुनः वापस दौड़ गई। मैं जान गया कि वो क्या लेने गई हैं। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी मर चुके थे
और मुझे पक्का यकीन था वो उनके चित्र तथा पत्र लपटों में जलने नहीं देंगी। वे एकमात्र ऐसी वस्तु थी जिनके द्वारा वे उन्हें याद रखती थी। तो भी मैं उन पर चीखा, माँ नहीं जाओ, अंदर मत जाओ। ओके, माँ अंदर नहीं जाना है। आई वॉज अबाउट टू रन। ओके, आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई लेफ्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। ओके, इट वॉज अ फायरमैन। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज गास्प ईलिंग। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। ओके, क्या हुआ वहाँ पे कि उसकी माँ जो है वहीं रह गई थी। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस। ठीक है, फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई हैड रन। He was right. It's all right. They all get her, he said. Okay. यानी मैं उनके पीछे भागने को था कि मैंने एक बड़े हाथ को अपने को पकड़कर खींचते हुए महसूस किया। अग्निशमन कर्मचारी था, यानी वो जो मेरा हाथ खींच रहा था वो अग्निशमन कर्मचारी था। मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि गली पहले से ही अग्निशमन के ट्रकों से भर गई थी। मैं उसकी मजबूत पकड़ से जोर से चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम नहीं समझते हो, वहाँ मेरी माँ अंदर है, मेरी माँ अंदर गई है। उसने मुझे पकड़े हुए रखा जबकि अन्य अग्निशमन कर्मचारी दौड़कर मकान में घुस गए। वह जानता था कि मैं बहुत तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। यदि उसने मुझे छोड़ा तो मैं दौड़ जाऊँगा, वह ठीक सोच रहा था। सब कुछ ठीक है, वे उन्हें ले जाएंगे, तुम्हारी माँ को ले आएंगे, उसने कहा। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी ओके सेट मी एंड डाउन इन आवर कार। सून आफ्टर दैट फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विथ माय मॉम इन टो। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट द ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। ओके, यानी वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि अपनी माँ के लिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। शी इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई सेट देयर डस्ट। आई रिमेंबर वॉचिंग माय हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। ओके, यानी उसने मुझे कंबल में लपेटा और मुझे अपनी हमारी कार में बिठा दिया। इसके शीघ्र बाद ही एक अग्निशमन कर्मचारी हमारे मकान के बाहर माताजी को लिए हुए आया। ओके, वह उन्हें तेजी से ट्रक के पास ले गया, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। मैं दौड़कर गया, उन्हें गले से लगा लिया। वे सब अफसर, जब मैं उनसे बहस करता था, उनसे घृणा कर की थी, उन्हें खो देने का विचार भर से मैं लुप्त हो गए। ओके, यानी पहले मैं अपनी माँ से बहस करता था, कभी उनसे नफरत करता था, वो सब मैं भूल गया। बस मैं ये सोचने लगा मेरी माँ कैसे भी ठीक हो जाएं। वे ठीक हो जाएंगी, अग्निशमन कर्मचारी ने कहा। इनके अंदर सांस में थोड़ा सा धुआं चला गया है और वह आग बुझाने के लिए वापस दौड़ गया, जबकि मेरी माताजी तथा मैं वहाँ सन्न बैठे रहे। मुझे अपना मकान जलकर गिरते हुए देखना और यह सोचना कि मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकता याद है आज भी। ओके, वो सीन मुझे आज भी याद है। 5 आवर्स लेटर
यानी 5 आवर्स लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट। आवर हाउसेज वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडन्ट सीन माई कैट। वेयर वॉज माई कैट? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेवर टू बी फाउंड। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लूज बिग टाइम। ओके, 5 घंटों बाद आग जो है आग पर काबू पाया गया, आग बुझ गई। हमारा मकान लगभग पूरी तरह जल चुका था, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। मेरी बिल्ली कहाँ है? यानी मेरी जो पेट थी, बिल्ली थी, वो कहाँ है, कहाँ थी? मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने समझ लिया वह कहीं नहीं मिलेगी। वह अचानक तभी मेरे माइंड में अचानक आया कि नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली। मेरे आंसू निकल पड़े और रोने लगा। मेरी बहुत हानि हुई है, बहुत कठिन समय था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। ही वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लॉथ ऑन अवर बैक्स एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। ओके, यानी अग्निशमन कर्मचारियों ने हमें उस रात वापस घर में नहीं जाने दिया। ओके, यह अभी भी बहुत संकट भरा था। जीवित या मृत मैं बिना बिल्ली के विषय में जाने यहाँ से जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति के बावजूद मुझे जाना पड़ा। हमने बस कुछ पहने हुए कपड़े, अग्नि कर्मचारियों ने के द्वारा दिए गए कंबलों को कार में रखा और रात बिताने के लिए दादा दादी के घर की ओर चल पड़े। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू द स्कूल। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वोर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज। I had kicked them off when I was doing my homework. They become yet another quality of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embraced by everything. The clothes I was wearing looked wired. I had no books or homework and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life. If it was going to be this way, I just wanted to curl up and die. यानी अगले दिन, नेक्स्ट डे क्या हुआ? सोमवार को जब मैं स्कूल गया, जब आग लगी हुई थी, तब मैं वही ड्रेस पहने हुए था जो मैंने उस सुबह गिरजाघर जाते हुए पहनी थी, चर्च जाते हुए मैंने पहनी थी। ओके, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, तब मैंने उन्हें लात मारकर दूर फेंक दिया था। वे भी आग की भेंट चढ़ गए, यानी वो भी आग में जल गए थे। इसलिए मुझे अपनी चाची जी से टेनिस के जूते मांगने पड़े। मैं स्कूल न जाकर घर क्यों नहीं रह सकता? मेरी माँ ने यह बात नहीं सुनी, लेकिन मैं हर चीज़ से पूरी तरह अजीब सा महसूस कर रहा था। जो कपड़े मैंने पहने थे बड़े विचित्र लग रहे थे। मेरे पास कोई किताब नहीं थी, न कोई गृह कार्य था, और मेरा स्कूल बैग भी चला गया था। मेरा जीवन ही मेरा बैग में था। ठीक है, जितना ज़्यादा मैंने संभालने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा बुरा होता गया। क्या मेरी नियति में, क्या मेरे भाग्य में सारा जीवन बहिष्कृत होना और अजीब सा प्राणी बनना ही लिखा था? मैंने ऐसा ही महसूस किया। मैं नहीं चाहता था बड़ा होना, परिवर्तन होना, या जीवन को इस ढंग से जीना जैसे यह होने जा रहा था। मैं केवल आकुल होना
और मर जाना चाहता था, यानी अपने एक तो स्कूल चेंज किया था, वो जगह मैं जो है एडजस्ट होने में मुझे टाइम लग रहा था, दूसरा मेरा घर जल गया तो मैं बुरी तरह से टूट चुका था, जीने की इच्छा मेरी कम हो गई थी। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी, ओके, एवरीथिंग फेल्ट श्योरियल एंड आई वाजेंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड गॉन आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, ओके। मैं स्कूल में बेजान आदमी की तरह भटकता रहा, मैं स्कूल में बेजान आदमी की तरह भटकता रहा और सब कुछ सपने सा बड़ा अजीब लगता था और मुझे पक्का पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। वो सारी सुरक्षा जिसे मैं जानता था, मेरे पुराने स्कूल, मेरे दोस्तों, मेरे घर और मेरी बिल्ली, वह सब बलपूर्वक छीन ली गई, ओके। प्लीज टर्न ओवर, कृपया पेज पलटिए। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burnt was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo album, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her, okay। यानी वो कह रहा है कि जब लेखक कहते हैं कि जब उस दिन स्कूल के बाद मैं वहाँ से गुजरा, मेरा घर जो मेरा घर हुआ करता था, तो मुझे यह देखकर आघात लगा, बड़ा दुख हुआ, कितना नुकसान हुआ था, जो कुछ नहीं जला था पानी और रसायनों से नष्ट हो गया था जिसे उन्होंने आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किया था। एकमात्र भौतिक वस्तुएं जो कि नष्ट नहीं हुई थी वे थी फोटो एल्बम, प्रलेख, दस्तावेज तथा कुछ दूसरी व्यक्तिगत चीज़ें जिन्हें मेरी माँ ने वीरतापूर्वक आग में घुसकर बचा लिया था, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दिल उसके लिए दुख रहा था। मैं अपनी पैट कैट को बहुत मिस कर रहा था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लॉथ्स और स्कूल, वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। अब वो कहते हैं लेखक कहते हैं कि बहुत अधिक दुखी होने का समय नहीं था। मेरी माँ मुझे घर से बाहर ले गई, हमें रहने के लिए एक स्थान तलाशना होगा और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े जाकर लाने होंगे। हमें अपने दादा दादी से धन उधार लेना पड़ा क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड धन या कोई पहचान का कोई साक्ष्य जिससे बैंक से धन निकाल सकें कुछ भी नहीं था। सब कुछ धुआं में उड़ गया था, ओके। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, इवन दाउ वी हैड रेंटेड अ अपार्टमेंट नियर बाई, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड शी वॉज गॉन। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वनरेबल लिटिल किटन के इन द अर्ली मॉर्निंग वैन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टेक अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोप एंड क्राउल इन टू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप, आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, ओके। यानी अब लेखक कहते हैं कि एक सप्ताह जो मलबा था जो कि हमारा मकान हुआ करता था उसे प्लॉट से उठाया जा रहा था,
यद्यपि हमारे पास में एक कमरा किराए पर ले लिया गया था, तथापि इस आशा में, उम्मीद में कि मेरी बिल्ली कहीं मिल जाएगी, मैं मलबा हटाते हुए देखने जाया करता था। वह चली गई थी। मैं उसे दुर्बल असुरक्षित बिल्ली का बच्चा सोचता रहता था। सुबह सवेरे जब मैं उसे परेशान कर देता, बिस्तर से उठा देता था, तो वह मेरे पीछे चलती रहती थी, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी, मेरी जेब में घुस जाती थी और सो जाती थी। मैं उसे बहुत याद कर रहा था, यानी मैंने जो बिल्ली का बच्चा पेट था मेरा, मैं उसको बहुत मिस कर रहा था, बहुत याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई फ्लाइट। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल। वॉट ए वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। ओके, यानी ऐसा लगता कि बुरा समाचार तेजी से फैलता है और मेरे मामले में यह भिन्न नहीं था। हाई स्कूल में हर कोई अध्यापकों को मिलाकर मेरी खराब हालत के विषय में जानता था। मैं लज्जा का सा अनुभव करता था, मानो कि मैं ही उत्तरदायी था। नए स्कूल में यह किस तरह की शुरुआत हुई थी मेरी। हर कोई मेरे पर तरस खाता था, हर कोई मेरे घर के बारे में बात करता था, मेरी खराब हालत के विषय में जानता था। मैं लज्जा का अनुभव करने लगा था और ऐसा लगता जैसे मैं ही उत्तरदायी हूँ। नए स्कूल में यह शुरुआत मेरी इस तरह से हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार के ध्यानाकर्षण की इच्छा मैंने नहीं की थी। मैंने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया था, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। Then I saw why there was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and brought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern. Okay, yani kya hua? Outpouring concern. Really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. Okay. यानी अगले दिन स्कूल में लोग सामान्य से कहीं अधिक विचित्र व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। मैं अपने लॉकर के पास जिम की क्लास के लिए तैयार हो रहा था, ठीक है, और लोग मेरे आसपास भीड़ लगाए मुझे जल्दी करने को कहते हुए घूम रहे थे। मुझे यह विचित्र लगा, बड़ा अद्भुत लगा, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से कोई भी चीज़ मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती थी। लगभग ऐसा लगता था कि वे मुझे जिम में धकेलने का प्रयास कर रहे थे। तब मैंने देखा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सभी प्रकार के सामानों से सजी एक मेज थी सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे मेरे लिए, स्कूल का सामान, अभ्यास पुस्तिकाएं, सभी प्रकार के वस्त्र, जीन्स, टॉप, स्वेटर। यह क्रिसमस जैसा था। मैं भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। वे लोग जो मुझसे पहले कभी नहीं बोलते थे नए स्कूल में, वो बच्चे मेरे से कभी नहीं बोलते थे, वो मेरे पास अपना परिचय मुझसे करने के लिए आ रहे थे, यानी वो खुद मेरे से बात कर रहे थे। मुझे उनके घर जाने के सब प्रकार के निमंत्रण मिले, वो मुझे अपने घर भी बुला रहे थे।
और मुझे दोस्त भी बना रहे थे, उनकी सच्ची चिंता ने, यानी जो वो मेरी परवाह कर रहे थे, उससे मेरा दिल, उन्होंने मेरा दिल छू लिया और उसी क्षण मैंने अंततः चैन की सांस ली। ओके, यानी आई फील रिलैक्स, उसने रिलैक्स महसूस किया, पहली बार सोचा कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। उस दिन मैंने मित्र बनाए। ओके, अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ट, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉजेंट अलून, आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल वंडरफुल पीपल अराउंड मी। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बिफोर हाउस बींग रीबिल्ट when I realized my life was doing the same thing. Okay, यानी एक माह के पश्चात मैं अपने मकान पर इस पुनर्निर्मित होते हुए देख रहा था। यानी मेरा मकान दोबारा से बन रहा था, लेकिन इस बार यह भिन्न था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे स्कूल के दो नए मित्र जो थे। यह आग ही थी जिसने मुझे अपनी असुरक्षा की भावना पर ध्यान केंद्रित करने से रोका था और मुझे अद्भुत व्यक्तियों से घुलना मिलना सिखाया था। अब मैं बैठा हुआ अपने मकान को फिर से बनते हुए देख रहा था, जबकि मैंने एहसास किया कि मेरा जीवन भी वैसा ही कर रहा था। ओके, व्हाइल वी सैट देयर ऑन द कर्व प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, डज दिस बिलोंग टू यू? व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, आई कुडंट बिलीव माई आईज। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। आई लेप्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ओरेंज फर। शी पुर्ड हैप्पीली। माई फ्रेंड वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जम्पिंग अराउंड। और क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस देखे जिसके बारे में अभी इस स्टोरी में बताया जा रहा है। जब हम मुड़ेर पर थे, मेरे लिए शयन कक्ष की योजना बनाते हुए बैठे थे, तो मैंने किसी को अपने पास आने की आवाज़ सुनी कहते हुए, क्या यह तुम्हारी है? ओके, यानी बिल्ली का जो बच्चा था वो उसके हाथ में था और मेरे से पूछे जा रही थी कि क्या यह बिल्ली है तुम्हारी है। जब मैं यह देखने के लिए गया, यह कौन है, पलटा तो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक स्त्री वहाँ मेरी बिल्ली को लिए हुए खड़ी थी। ठीक है, मैं खुशी से उछला और उसे उस स्त्री की बाहों से एकदम झपट लिया। मैंने उसे चिपका कर पकड़ लिया और सुंदर संतरी रोए को देखकर चिल्लाया। यानी मैं अपनी जो मेरी पेट थी, बिल्ली थी, उसे देखकर बहुत खुश हो गया। वह खुशी से घुघराई। मेरे मित्र मुझे गले लगाए हुए थे, बिल्ली को गले लगाए हुए थे और उछल रहे थे। ओके, अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रैंक बाई द फायर दैट शी रन ओवर अ मील अवे। हर कॉलर हैड ओवर फोन नंबर ऑन इट, बट अवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। दिस वंडरफुल वोमैन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हूज कैट इट वॉज। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड शोल्डली मिस्ड। ओके, यानी स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से इतना डर गई थी कि वह करीब एक मील दूर भाग गई थी। उसके पट्टे पर हमारा फ़ोन नंबर था, लेकिन हमारे फ़ोन नष्ट हो गए थे तथा उनका संपर्क टूट चुका था। इस अद्भुत स्त्री ने उसे उठा लिया था और यह पता लगाने में यह किसकी बिल्ली है बड़ी मेहनत की थी। किसी तरह वह जान गई कि इस बिल्ली को प्यार किया और पूरी तरह याद किया जा रहा है। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट्स कर्ल्ड अप
इन माई लैप ऑल ओवरवेलमिंग फीलिंग्स और लॉस एंड ट्रेजडी सीम टू डिमिनिश आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ माई न्यू फ्रेंड्स द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर्स एंड द लाउड पोर ऑफ माई बिलव्ड कैट माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई ओके यानी जब मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ बैठा था मेरी बिल्ली मेरी गोद में सिमटी हुई बैठी थी तो हानि और त्रासदी की सारी तीव्र भावनाएं कम होती प्रतीत लगती थी। ठीक है, मैं बिल्ली के लिए बहुत परेशान था, वो भी मुझे मिल गई थी, मुझे मित्र मिल गए थे मेरे, और मुझे अपने जीवन के प्रति, अपने नए मित्रों के प्रति एक अजनबी सी दयालुता के प्रति, अपनी प्यारी बिल्ली की तेज घुरघुराहट के प्रति कृतज्ञता अनुभूति हो रही थी। यानी मेरी बिल्ली जो है मेरे नए दोस्तों पर घुरघुरा रही थी। ठीक है, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और सब कुछ वैसा ही मैं भी जो कि पहले बहुत दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, मैं भी नॉर्मल हो गया था, ज़्यादा दुखी नहीं था। ओके, इज़ दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माई क्लास। सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट।